जी, अब हम सीखेंगे कि फ्रैक्शंस में अगर नंबर्स हों उनको किस तरह से ऐड किया जाएगा। ये लिखा है 5/6 को ऐड करना हो 3/5 के साथ, तो ये एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, और इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है। प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, दोनों में एक ही प्रोसेस से इसे ऑपरेट किया जाता है। फ्रैक्शन को सिंपल तरीके से ऐड नहीं करते कि 5 में हम 3 जमा कर लें और 8 लिख दें, और 5 में हम 6 जमा कर दें और 11 लिख दें। ये गलत है, इसकी एडिशन ऐसे नहीं होती। इसकी एडिशन करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हम पहला तरीका डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर दूसरे तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला तरीका ये है कि हम सबसे पहले इन नीचे नीचे वालों को, यानी डिनोमिनेटर को, आपस में मल्टीप्लाई करके 6 5 30 यहाँ लिख देते हैं। फिर इस 6 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखना है 6 3 18। ये वाला साइन एज इट इज़ उतार लिया। फिर इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखना है 5 5 25। इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब ये दोनों ऐड होंगे, 25 और 18, 8 और 5 13 और 43/3। इस मेथड को नॉर्मली हम आसानी के लिए एम का तरीका कहते हैं, एम मेथड, एम का तरीका, क्योंकि इसमें ये एक एम जनरेट हो रहा है। नीचे नीचे वाले पहले नीचे वालों से मल्टीप्लाई हुए, और फिर एक का डिनोमिनेटर दूसरे के नोमिनेटर से, और दूसरे का डिनोमिनेटर पहले वाले के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखते हैं, और साइन एज इट इज़ उतरता है। और साइन के मुताबिक अगर प्लस है तो प्लस कर लीजिए, अगर माइनस है तो माइनस कर लीजिए। एक एग्जांपल और हम लेते हैं। फर्ज़ कीजिए हमारे पास रकम है 4/12, इसको हमें ऐड करना है 3/8 के साथ। वही मेथड सादा सा, 12 8 96, 8 4 8 4 32 और 12 3 36। अब इनको ऐड कर लीजिए, 6 n 2 8 और 3 और 3 9, 98/96। अब हम यहाँ देख लेंगे कोई चीज़ ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। 2 से 2 4 8, 2 9 18, 2 4 8, 2 8 16। हमारे पास रकम आ गई 49/46। तो ये फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए हम एम का तरीका यूज़ करते हैं। एक मिसाल और लेते हैं सब्ट्रैक्शन की। 9/8 को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए, उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाए 3/6, तो एम के मेथड के मुताबिक ये नीचे नीचे वाले एज इट इज़ मल्टीप्लाई होंगे और नीचे लिखा जाएगा 8 6 48। और इस 8 को इससे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखना है 8 3 24। माइनस का साइन एज इट इज़, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना 6 9 54। अब इसमें साइन के मुताबिक इनको ऑपरेट करना। 54 में से 24 गए, 30 बचे, नीचे 48 ऐसे आ गया। अब देखना ये है कि क्या ये दोनों किसी टेबल से कटते हैं। जी हाँ, ये कटते हैं। 6 6 5 30 और 6 8 48। तो
हमारे पास जो जवाब आ गया वो आ गया 5/8। एक और एग्जांपल हम लेते हैं 7/9 में से माइनस करना है 3/10। लेट सपोज एम के मेथड के मुताबिक 9 10 90, 10 7 70, 9 3 27। तो 70 में से 27 जाएंगे 3, 6 में से 2 गया 4, 43/90। तो फ्रैक्शन की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एक सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमने पहला मेथड सीखा एम मेथड, ठीक है। अब हम एक दूसरा मेथड सीखते हैं जी। दूसरा मेथड हम जो सीखते हैं उसको हम कहते हैं एलसीएम मेथड। इसमें हम जो भी फ्रैक्शन हमें दिया जाता है अगर इस फ्रैक्शन के नीचे वालों नंबर्स में यानी डिनोमिनेटर में दोनों किसी एक टेबल में आ रहे हों तो नॉर्मली हम इसको एलसीएम मेथड से हल करते हैं। ये 3/12 है और ये 6/8 है। हम देख रहे हैं कि यहाँ 12 है और यहाँ 8 है। 12 और 8 ऑलरेडी एक पहाड़े में आते हैं 4 में, लिहाजा हम इसका एलसीएम जो है वो मेथड से इसको हल करेंगे। एलसीएम मेथड से हल करने के लिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 के टेबल में 3 एज इट इज उतार लीजिए, 2 1 2 और 3 1 3। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। इसका जो एलसीएम निकला वो निकला 24। हम ये 24 यहाँ ऐसे इस 24 को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है और इस 24 को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है। तो 12 से ही 24 कट रहा है, 12 1 12, 12 2 24, 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 3 6 यहाँ आ गए। इस तरीके से 8 से इसको काट लीजिए, 8 1 8, 8 3 24, 3 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18। अब इनको ऐड कर लीजिए, 18 और 6 24 डिवाइडेड बाय 24, ये दोनों कट के आ गया 1। एक हमने ये मेथड देखा किस तरह से हम एलसीएम मेथड से फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल पर गौर करते हैं फ्रैक्शन मेथड से। फर्स्ट कीजिए हमारे पास एक रकम है 6/15, इसमें से माइनस करना है 3/18। इसको भी हम एलसीएम मेथड से हल कर रहे हैं क्योंकि ये 15 और 18 एक पहाड़े में आता है। तो सबसे पहले हमें 15 का और 18 एलसीएम निकालना है, 3 के टेबल में ये दोनों आ रहे हैं, 3 5 15, 3 6 12। अब ये दोनों किस पहाड़े में आ रहे हैं, किसी में नहीं आ रहे हैं, 5 को अलग काट दीजिए, 5 5 1 5, 6 एज इट इज़, और इसको चाहें तो आप अलग अलग काट लें, चाहें तो एक साथ काट लें। उसे काटा 2 3 6, 3 से काटा 3 1 3, 3 5 15, 15 2 30, 33 90। इसका जो एलसीएम हमारे पास आ गया वो आ गया 90। अच्छा जी, 90 को हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, 90 से हमें 15 के टेबल में 96 पर आता है, 15 1 15 15 6 90। ये 6 और 6 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 6 6 36 हो गए। इसी तरीके से ये 18 इस 90 से मल्टीप्लाई होता है, 18 के टेबल में 95 पे आता है, 18 1 18, 18 5 90, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15। अब इस माइनस की वजह से इनको माइनस करेंगे, 36 में से 15 गया, 21 बचा, 21 डिवाइडेड बाय 90। अब हम देख रहे हैं ये दोनों 3 के टेबल से कट सकते हैं, 3 7 21, 3 3 9 0,
से जवाब आया 7/30 आया। तो ये है आपका एलसीएम मेथड जिसके ज़रिए हम फ्रैक्शन की प्लस या माइनस करते हैं। आमतौर पर एलसीएम मेथड उस वक्त लगाते हैं जब नीचे दोनों जो रकमें हैं वो किसी एक टेबल में आ रही हैं तो हम एलसीएम मेथड लगाते हैं, और आमतौर पर जब दोनों रकमें एक टेबल में नहीं आती तो फिर हम एम का मेथड लगाते हैं। लेकिन आप हर सवाल एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं और हर सवाल एम के मेथड से भी हल कर सकते हैं।